गुना शहर की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती ने 3 साल पहले ही घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी। शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि युवती की मौत जहर खाने से हुई है। जहर उसने खुद खाया या किसी ने उसे खिलाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रविवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिस दौरान भारी पुलिस बल अस्पताल में मौजूद रहा। पुलिस की मौजूदगी में ही युवती का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक मृतका कीर्ति जैन ने शिवाजी नगर के मुस्लिम युवक से घर वालों की मर्जी के बिना जाकर शादी की थी और उसकी एक बेटी भी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। चार साल पहले के आसपास करीब करीब एक बसिंग कुरैशी नाम का लड़का उसे ज़बरदस्ती ले गया था, उससे शादी करी। शादी करने के बाद अभी कल रात में उसने जहर देके उसे मार दिया। पैसे का दबाव उसको बनाए हुए थे लगातार, पैसे मांगते रहते थे हर कभी। और लाल पुलिस ने भी कायम वो FIR करी है उसके खिलाफ, तो प्लीज़ अभी उस पर कार्रवाई करें। ये थाना कोतवाली के कर्नलगंज में एक नवयुवता मर्डर का घटनाक्रम है। महिला की शादी करीबन 3 वर्ष पहले हुई थी और वसीम जो है उनके साथ हुई थी, और महिला कल रात को सस्पेक्टेड पॉइजन पीने से डेथ हो गई थी और उसको PM कराया गया। PM करा के मर जाँच की गई है और जांच करके परिवार के कथन लिए जा रहे हैं। जो भी इस घटनाक्रम में दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।